हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है, कि आपको अगर नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा, सपोज आपका स्कोर इतना नहीं है कि आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिल पा रहा, तो आपको वो कौन से कॉलेजेस हैं जो अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रखने चाहिए कि जो नॉर्थ कैंपस को टक्कर देते हों। ठीक है, बहुत सारे साउथ कैंपस में ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को भी टक्कर दे सकते हैं, तो वो कौन कौन से कॉलेज हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरी नजर में जो कॉलेज है वो लेडी श्रीराम कॉलेज है। आप कह सकते हो नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजों को ये टक्कर देता है, ठीक है, और बहुत प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इसकी, बहुत जाना माना इसका नाम है। तो आप लेडी श्रीराम को अपने नॉर्थ कैंपस, देखो जब आप प्रेफरेंस बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप नॉर्थ कैंपस को तो ऊपर रखोगे ही रखोगे, बट नॉर्थ कैंपस के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखोगे, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो लेडी श्रीराम कॉलेज जो है आपका, वो आप टॉप पे रख सकते हो। एंड इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, ठीक है, ये भी आपको मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, देखो 750 के प्लस में अगर आपके हैं नंबर तो आपको लेडी श्रीराम कॉलेज मिल सकता है, 700 से नीचे भी मिल सकता है, लेकिन वो कोर्स बाय कोर्स वेरी करता है ना। कभी आप कोई हिंदी ऑनर्स या संस्कृत ऑनर्स बीए प्रोग्राम में जा रहे हो तो थोड़ा कम में भी हो जाएगा एडमिशन, लेकिन ये है कि मैं आपको एक रॉ एस्टिमेट एक एवरेज बता रहा हूँ। ये वो कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस को टक्कर देते हैं, हमारी वीडियो का मेन मकसद यही आपको बताना है। अभी नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊंगा कि अगर आपके नंबर 400 500 या 600 के आसपास हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा जो बहुत अच्छा हो। गार्गी कॉलेज आपको 750 प्लस पे मिलने के चांस हैं, जीसस एंड मैरी 740 के आसपास आपको मिल सकता है, और आत्मारम सनाता धम कॉलेज, इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, NIRF रैंकिंग इसकी अच्छी होने के कारण 700 प्लस के बाद ही आपको ये मिल पाएगा। एंड शहीद भगत सिंह कॉलेज है, 730 प्लस पे आपको मिल सकता है, और दयाल सिंह कॉलेज है, 670 प्लस पे आपको मिल सकता है, और कमला नेहरू कॉलेज 700 प्लस के आसपास आपको मिल सकता है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और मैत्रेयी कॉलेज। ये जो मैंने आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बताए हैं ये माने जाते हैं साउथ कैंपस के वन ऑफ दी आप कह सकते हो रेपुटेटेड या बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज, जहाँ से आप करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आपने पैसा खराब किया है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेज हैं, इसमें भी अगर टॉप के जो दो चार हैं, ठीक है, इसमें हो जाए तो और बढ़िया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं इस पर बनाऊंगा कि अगर आपका स्कोर कम है तो आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। ये वीडियो इसलिए थी कि आपको मैं टॉप कॉलेज बता दूं साउथ कैंपस के कौन कौन से हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।